नमस्कार, लॉ शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उस व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तो चलिए हम और आप मिलकर इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर हरिलाल जयकिशनदास कानिया जी का जन्म 3 नवंबर 1890 को सूरत के एक मध्यम वर्गीय परिवार में। उनके दादा गुजरात सरकार में एक रेवेन्यू ऑफिसर थे और उनके पिता संस्कृत के प्रोफेसर, जो बाद में जाके श्यामल दास कॉलेज में प्रिंसिपल बने। उन्होंने 1910 में श्यामल दास कॉलेज से ही बीए की डिग्री प्राप्त की। 1912 में उन्हें एलएलबी की डिग्री प्राप्त की, जो कि उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे से किया, और उसी संस्थान से एलएलएम की डिग्री 1913 में प्राप्त की। 1915 आते आते वह बॉम्बे हाई कोर्ट में ही बैरिस्टर के तौर पे प्रैक्टिस करने लगे। उनके बड़े भाई भी एक बैरिस्टर थे और उनके भतीजे मधुकर हीरालाल कानिया, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने और भारत के 23rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने, जिनके ऊपर हम बाद में एक और वीडियो बनाएंगे। तो चले आते हैं इनके ऊपर, हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर। सर कानिया ने इंडियन लॉ रिपोर्ट के में एज ए एक्टिंग एडिटर के तौर पे भी काम किया। 1930 में वह एक कार्यकारी न्यायाधीश के तौर पे काम किए और 1931 आते आते उन्हें अतिरिक्त न्यायाधीश मतलब एडिशनल जज के तौर पे काम करने का अवसर मिला, लेकिन वो 1933 तक ही ये कार्य किए। उसके बाद वो 3 महीने तक वापस आ गए, जब तक कि ना उन्हें एसोसिएट जज बना दिया गया। सर कानिया बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ समय के लिए कह लीजिए या कुछ महीने के लिए कह लीजिए चीफ जस्टिस का भी पद ग्रहण किए थे 1944 में मई से लेकर सितंबर, और 1945 में जून से अक्टूबर के महीने में वो एज ए चीफ जस्टिस के रूप में कार्यभार संभाले थे बॉम्बे हाईकोर्ट का। 20 जून 1946 सर पैट्रिक स्पेंस, जो बाद में लॉर्ड स्पेंस के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके अध्यक्षता में सर कानिया को फेडरल कोर्ट का एसोसिएट जज प्रमोट किया गया। स्वतंत्रता मिलने के बाद जब अंग्रेजी दफ्तर अंग्रेज मुक्त हो रहे थे, तब हमारा उच्च न्यायालय भी सच होता नहीं रहा, और उस दौरान सर पैट्रिक स्पेंस अपने देश वापस चले गए। तब सर कानिया को चीफ जस्टिस के तौर पे अपना पद ग्रहण करना पड़ा। 26 जनवरी 1950 जब भारत गणतंत्र बना, तब सर कानिया को भारत का पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया। चीफ जस्टिस के रूप में कार्य करते हुए वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को शपथ दिलाए, लेकिन 6 नवंबर 1951 61 वर्ष के आयु में उनका निधन दिल का दौरा पड़ने के कारण उन्हीं के ऑफिस में हो गया। तो ये था हमारा वीडियो भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।